नाउ वी आर गोइंग पेज नंबर नाइनटी एट ऑफ यूर टैक्स बुक मैच कॉलम ए विध कॉलम बी कॉलम ए में हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं जी बिसाइड्स बिस मेडअप जस्टफाई माइ स्टैंड प्रूव माई सेल्फ रिसाइडेड एट दाइड ऑफ कन्वेंग अपिट साइड बेसाइड के साथ आईनिक एक तंजिया तंस को बोलते हैं मेड अप बना लेना एक फैसला कर लेना जस्टिफाई माई सेंटेंस आप कोई भी मौका किसी को देते हो तो उसको क्लियर करना बेसाइड हमारे पास क्या होगा फिर एट द साइड ऑफ आयरनिक कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस आयरनिंग कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस मेड अप डिसाइडेड जस्टिफाई माई स्टेंस प्रूव माई सेल्फ बेसाइड एट द साइड ऑफ आयनिक कन्वेग अपोजिट साइड मे डिसाइडिड जस्टिफाव माई स्टैंड प्रूव माई सेल्फ और ये रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपको अभी नहीं करवाए जा रहे वो आपको नोट्स में क्लियर करवाए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है रे राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ पुट इन पुट इन आर्टिकल ए एंड द इन तीनों वर्ड्स को हम आर्टिकल बोलते हैं और आर्टिकल यूज़ करते हुए आपने इस पैराग्राफ को दोबारा से अपनी नीट नोटबुक में लिखना है ये आप लोगों के इस वी की असाइनमेंट है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर हंड्रेड पे कंप्लीट सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द कंपाउंड कंपाउंड प्रपोजिशन कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होते हैं ये टू और मोर वर्ड्स होते हैं जो कि इकट्ठे यूज़ हो रहे होते हैं और फंक्शन ये प्रिपोजिशन का ही कर रहे होते हैं ठीक है प्रपोजिशन इन एड ऑन ये सारी वर्डिंग होती है तो इनके साथ अगर कोई और वर्ड ऐड कर दिया जाए तो करते वो प्रिपोजिशन का, का काम ही हैं लेकिन उनको फिर कंपाउंड प्रपोजिशन कहा जाता है पहले हमारे पास जी डेश माई टीचर इज़ अ ग्रेट इज़ अ ग्रेट बुक अकॉर्डिंग टू माई टीचर इज अ ग्रेट बुक इन्हीं वर्ड्स में से हमने ले कर इनको फिल करना है ही हैड टू रिटायर डैश एल हेल्थ बिकॉज ऑफ़ एल हेल्थ ही हैड टू रिटायर आई एम स्टैंड डैश द स्कूल बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग के सामने की बात है तो इन फ्रंट ऑफ ही इज कमिंग डैश हिज फ्रेंड वो आ रहे है अपने दोस्त के साथ अलॉन्ग विद हीज फ्रेंड he is coming along with his friend i am dash my home right now i am dash my home right now away from kya away from he left for Court instead of left for court instead of lahore he could not attend the seminar डेश ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज, डेश ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर मैरिज फर्स्ट वाले में अकॉर्डिंग टू माई टीचर सेकेंड में बिकॉज ऑफ इल हेल्थ थर्ड वाले में इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग फोर्थ वाले में अलोंग विथ फिफ्थ वाली ब्लैंक में अवे फ्रॉम, सिक्सथ ब्लैंक में इंस्टेड ऑफ सेवंथ में बिकॉज ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पिछले लेक्चर में पिछले हफ्ते के लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने हैज हैव के साथ बीन का एडिशन किया था और प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेंस फॉर का यूज़ होता है तो पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इस लिहाज से थोड़ा ईजी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है हैड बीन सब के साथ आई ई शी एट आई वी यू दे सब के साथ हम लोगों ने हैड बीन का यूज़ करना है उसके बाद बेस वर्ब के साथ इंग फॉर मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है और सेंस फॉर ऑलरेडी हमारे पास पाया जा चुका है पाया जाता है ठीक है अच्छा जी राइट द परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स राइट द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब हमें सिर्फ जो फॉर्म दी गई है वर्ब की जो बेस वर्ब हमें दिया जाएगा उसको हमने कन्वर्ट करना है और हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है बाकी सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट मौजूद है स्लिम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ रेथ ही हैड बीन रनिंग रन Run था हमारे पास तो अब क्या आ जाएगा रनिंग वी डेज वॉक अलोंग द रोड फॉर ट्वेंटी मिनट्स व्हेन अ कार स्टॉप एट द ड्राइवर ऑफर्ड अस अ लिफ्ट जब हम चल रहे थे बीस मिनट चलने के बाद रोड के साथ चल रहे थे तो एक कार रुकी तभी तो ड्राइवर ने हमें ऑफर्ड की लिफ्ट तो क्या आ जाएगा हैड बीन वॉक किस में चेंज हो जाएगा वॉकिंग में हैड बीन वॉकिंग आई डेश डू माई homework फॉर टू आवर्स वैन माई फ्रेंड्स कैम मैं दो घंटों से काम कर रहा था जब आ, मेरे दोस्त आए ठीक है वैन आई हैड been, आई हैड been, डू किस में चेंज हो जाएगा डूइंग में दे dash टेक एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग वो सुबह से वर्जिश कर रहे थे दे हैड been टेकिंग जब किसी भी वर्क के एंड में ई आ जाता है तो ई कॉमेंट करके हम इन फॉर्म करते हैं देड बी टेकिंग द पेशेंट डैश क्राई फॉर विद पेन फॉर टू आवर्स वेन द डॉक्टर अराइव दो घंटों से वो चला आ रहा था जब डॉक्टर आए तो हैड बीन क्राइम हैड बीन रनिंग फास्ट वाली ब्लैंक में था सेकेंड में हैड बीन वॉकिंग हैड बीन डूइंग हैड बीन टेकिंग और हैड बीन क्राइम मेक फाइव सेंटेंसेज यूजिंग पास पर फेर कंटिन्यूस टेंस एंड कन्वर्ट दीज सेंटेंसिस इंटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एक आप लोगों का आर्टिकल वाला क्वेश्चन असाइनमेंट है इस वीक की और एक ये वाला क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर वन जीरो वन पर आप लोगों की इस वीक की असाइनमेंट है बाकी रिमेनिंग वर्क हम इंशाल्लाह नोट्स में करेंगे थैंक यू सो मच